नमस्कार, मैं हूँ राकेश मिश्रा और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ तक। आज हमारे साथ जिला गोला पंडा मरवाही के शिक्षक संघ के शिक्षक हैं, जिनसे हम लोग बात करेंगे आखिर वो किस बात को लेकर एक बार फिर सरकार से अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं और किस बात को लेकर वो फिर एक बार आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। हमारे साथ शिक्षक हैं, उनसे बात करते हैं कि उनकी क्या मांगे हैं और किन मांगों को लेकर इस बार फिर वो सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि जल्द से जल्द अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो फिर से एक बार प्रदेशव्यापी हड़ताल किया जाएगा। आइए डायरेक्ट बात करते हैं कि क्या मांग है और किन मुद्दों को लेकर हड़ताल में जाने की चेतावनी है, क्या मांगे हैं सरकार से एक बार फिर। एक्चुअल में इसको हम लोग मांग नहीं बोल सकते, हम लोग शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने की बात कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए प्राइमरी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल में 5 कक्षाएं होती हैं, अब उसमें बालवाड़ी भी इंक्लूड कर दिया गया है, आंगनबाड़ी के बच्चे भी रहते हैं उसमें, बहुत से स्कूल जो एक कैंपस में आंगनबाड़ी भी बालवाड़ी भी चल रहा है। तो सन 2008 में सरकार ने सेटअप बनाया था कि कम से कम 60 बच्चों की दर संख्या में न्यूनतम एक प्रधान पाठक और 2 सहायक शिक्षक रहेंगे। हालांकि रहना तो चाहिए हर क्लास के लिए एक शिक्षक, लेकिन उन्होंने उस समय जो बना था एक प्रधान पाठक और 2 सहायक शिक्षक का, तो उसके तहत अभी तक व्यवस्था चली आ रही थी। अब शासन ने 2 अगस्त 2024 को एक नया आदेश जारी कर दिया युक्ति उपकरण के नाम पर। उसमें इन्होंने बोल दिया कि अब जहां पर 60 बच्चे तक की दर संख्या है उस प्राइमरी स्कूल में सिर्फ एक प्रधान पाठक और 1 सहायक शिक्षक ही उस स्कूल का संचालन करेंगे। आप बताइए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से गुणवत्ता का क्या होगा, गुणवत्ता तो 1-2 के सेटअप में ही प्रभावित हो रहा था। न्यूनतम हर कक्षा के लिए एक शिक्षक होना चाहिए, अब आप बोल रहे हैं कि सिर्फ 2 शिक्षक स्कूल का संचालन करेंगे। 60 तक की दर संख्या में पूरे प्रदेश में लगभग 80% स्कूल आ रहा है, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे कौन हैं, बहुत ही गरीब परिवार के हैं, वो कैसा करेंगे। अब गुणवत्ता की बात आएगी, गुणवत्ता में फर्क आएगा तो उसके लिए आप दोष दोगे शिक्षकों को, जबकि दोष आपके सेटअप में है, अव्यवहारिक सेटअप है ये। भाई बालवाड़ी आपने उसमें इंक्लूड कर दिया है, आपको तो एक शिक्षक अलग से देना चाहिए। अच्छा, उसके अलावा प्राइमरी स्कूल में FLN चल रहा है, EGL चल रहा है, FLN में 90 मिनट हिंदी विषय के लिए, 60 मिनट गणित विषय के लिए, 150 मिनट अलग है ये। ये FLN का तो अभी चल रहा है, चालू हुआ है जो, ये तो है ही है। उसके अलावा आपको बताएं हम कि 1 से लेकर 5 तक में 18 पीरियड होता है, कैसे संचालन होगा बताइए आप। और फिर दुनिया भर का आपने काम दे रखा है शिक्षकों को, रोज़ कोई ना कोई नई जानकारी आप मांगते हो, कोई ना कोई प्रशिक्षण बीच बीच में आता रहता है। 2 शिक्षक रहेंगे, 1 शिक्षक प्रशिक्षण में चला जाएगा, 1 शिक्षक कितना गुणवत्ता का ध्यान रख पाएगा। तो ये जो अव्यवहारिक सेटअप है, इसके अलावा मिडिल में 2008 में सेटअप था कि एक प्रधान पाठक और 4 शिक्षक रहेंगे, उसको आपने कर दिया अब 1 प्रधान पाठक और 3 शिक्षक रहेंगे 105 तक की दर संख्या में, 6 विषय हैं वहाँ पर, 6 विषय को पढ़ाना है। और सिर्फ पढ़ाने वाली बात नहीं, बात गुणवत्ता की है। आज ये जितने भी लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, जो भी हैं या जो भी बड़े बड़े पदों पर अधिकारी बैठे हुए हैं, अधिकतर लोग तो सरकारी स्कूलों से ही पढ़ के निकले हैं। उनको तो कम से कम सरकारी स्कूलों के प्रति देखना चाहिए कि भाई कैसे पढ़ाई होगा। आज प्रतिस्पर्धा का दौर है, प्राइवेट स्कूलों के साथ प्रतिस्पर्धा है। इसके पहले की सरकार ने लाया स्वामी आत्मानंद स्कूल, अंग्रेजी माध्यम स्कूल, आपने देखा होगा जैसे ही आत्मानंद स्कूल अंग्रेजी माध्यम स्कूल आया, सरकार ने सबसे पहला काम वहाँ क्या किया कि अंग्रेजी विषय के अंग्रेजी पढ़ा सकने वाले शिक्षकों की वहाँ पर भर्ती की, प्रतिनियुक्ति पे लाया। प्रतिनियुक्ति पे अगर मान लो टीचर नहीं मिले तो नई भर्ती की, संविदा भर्ती कर लिए, जिसका हर विषय के लिए वहाँ टीचर हो गए। समाज ने देखा कि अरे यार ये तो बहुत बढ़िया है, प्राइवेट स्कूलों से लोग निकाल कर वहाँ भर्ती कर लिए। क्यों किए, शिक्षकों को देख कर। आप स्कूलों में शिक्षक ही नहीं दोगे तो फिर गुणवत्ता का क्या होगा।
आत्मानंद जो अंग्रेजी माध्यम आत्मानंद स्कूल खुले, उन स्कूलों में जो प्राइवेट स्कूलों से निकाल कर समाज के लोगों ने अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में आत्मानंद में भर्ती कराया, आपको उससे सीखना चाहिए, सबक लेना चाहिए कि आखिर यहाँ पर बच्चे क्यों लाए गए। इसलिए लाए गए कि समाज का आकर्षण बढ़ा कि यार पढ़ाई होगा यहाँ पर बढ़िया, पूरे शिक्षक आ गए, अब हर विषय के शिक्षक आ गए, विशेषज्ञ शिक्षक आ गए। तो आप वो काम कर नहीं रहे हो, उल्टा दिशा में चल रहे हो, आप शिक्षा व्यवस्था चौपट करना चाहते हो, दोष फिर शिक्षकों को दोगे। क्या चाहते हैं, क्या मांगे? मांग हमारी ये है कि पहली बात तो हर क्लास के लिए एक शिक्षक होना चाहिए। ये आप नहीं कर पा रहे हैं तो जो सन 2000 का सेटअप है, कम से कम उस सेटअप को यथावत रखना चाहिए। मांगे पूरी नहीं हुई तो फिर? देखिए, मांगे पूरी नहीं होंगी तो अभी हम लोगों ने 22 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा सचिव जी, माननीय DPI महोदय के नाम से हमने ज्ञापन दिया है। इसके बाद 2 और 3 तारीख को हम लोग का जो संगठन के प्रदेश के नेता हैं ये मिलेंगे माननीय अधिकारियों से। इस बीच अभी हम लोग सांसद विधायक महोदय के माध्यम से ज्ञापन देकर अपनी बात रखेंगे, और उसके बाद हमारा आगे कार्यक्रम है कि अगर इस बीच कुछ नहीं होता है, इसमें सरकार इस सेटअप को वापस नहीं लेती है, तो फिर 9 सितंबर को जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। और यदि धरना प्रदर्शन के बाद भी अगर सरकार ये सेटअप वापस नहीं लेती तो प्रदेश स्तर पर संगठन के सभी नेता, सभी शिक्षक संगठन एक हो रहे हैं, एक हुए हैं, वो फिर जो भी आगे रणनीति बनाएंगे उसमें सारे शिक्षक साथ देंगे, क्योंकि हमको शिक्षक गुणवत्ता से भी मतलब है। शिक्षक गुणवत्ता के लिए आप हमको स्टाफ दीजिए, स्टाफ आप देंगे तो निश्चित तौर पर गुणवत्ता भी आएगी, ये हमारी मांग है। और दूसरी बात बता दूँ, ये युक्ति उपकरण के नाम पर ये सब चल रहा है। युक्ति उपकरण के नाम पर जितने भी एक कैंपस में स्कूल हैं उनको आपस में संयोजित किया जा रहा है, उपकरण के नाम पर ये सब चल रहा है। युक्ति उपकरण के नाम पर जितने भी एक कैंपस में स्कूल हैं उनको आपस में संयोजित किया जा रहा है, और बहुत से स्कूल बंद भी किए जा रहे हैं। जब इसका डाटा सरकार ने मंगाया, आपको ताजुब होगा सुनकर, जब इसका डाटा सरकार ने मंगाया, वो डाटा मंगाया आज से लगभग 3-4 सप्ताह पहले की स्थिति में, उस समय ये नया सेटअप लागू नहीं हुआ था। उसमें मंगाया गया जब जानकारी, तो 2008 में जो सेटअप था उसके अनुसार जो जानकारी गई है उसमें जो स्कूल 4077 स्कूल बंद हो रहे हैं उसमें 13,000 के लगभग शिक्षक अतिशेष हो रहे हैं प्रदेश में। अब ये आप नया सेटअप ले आए कि आप मिडिल में एक शिक्षक कम कर रहे हैं, मिडिल स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में आप एक शिक्षक कम कर रहे हैं, इससे जो है अतिशेष शिक्षकों की संख्या लगभग पूरे प्रदेश में 30,000 से 40,000 पहुँच जाएगी। जब ये 30,000 से 40,000 अतिशेष शिक्षकों की संख्या पहुँच जाएगी तो भाई ये तो सब नौकरी में, निश्चित तौर पर आप कहीं ना कहीं पर इनको पदस्थ करोगे। लेकिन जो लोग समाज में आज, आप ही ने कराया है DED, आप ही ने कराया है BED, आप ही ने लिया है TET का परीक्षा, उनको कहाँ पर आप भर्ती करोगे? आप ही ने तो विधानसभा में बोला कि हम 33,000 भर्ती कर रहे हैं, आप ही ने तो मोदी जी गारंटी लागू करते हुए बोला था चुनाव के समय कि हम 57,000 नहीं भर्ती करेंगे। कैसे करेंगे फिर, जब ये 30,000 से 40,000 लोग अतिशेष हो जाएंगे तो वो लोग क्या करेंगे? जो लोग शिक्षक बनने का आस लगाए हुए घर में बैठे हुए हैं, आज उनको आप भर्ती करोगे तो शिक्षक गुणवत्ता बढ़ेगी, आज हमारी संख्या घटा दोगे तो गुणवत्ता निश्चित तौर पर प्रभावित होगी, फिर हम कैसे, फिर आज कंपटीशन के दौर में, आज प्रतिस्पर्धा का दौर है, हमारे यहाँ का गरीब बच्चा, गांव का गरीब बच्चा कैसे पैसे वालों से बराबरी कर पाएगा, कैसे प्रतिस्पर्धा कर पाएगा, कैसे वो प्रतिभा निकाल के आगे आ पाएगी? ये तो प्रतिभाओं का दमन हो जाएगा वहीं पर गांव में ही। आप क्या मानते हैं, किस तरह की मांगे हैं, क्या लगता है सरकार पूरी करेगी? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, ये किस प्रकार का सबका साथ और सबका विकास है कि सरकार युक्तिकरण के नाम पे एक ऐसी युक्ति ले आई जहां रोज़गार कम करने की बातचीत हो रही है, जहां हमको, हमारा दायित्व है कि बच्चों की गुणवत्ता बढ़े, सरकार का दायित्व है कि बच्चों को अच्छे से अच्छी गुणवत्ता मिले और बच्चे और पढ़ लिख के समाज में अपना नाम रोशन करें। वहीं पे आप देखेंगे कि युक्तिकरण के नाम पे 4,000 स्कूलों को या तो समायोजित किया जा रहा है या तो बंद किया जा रहा है वहाँ पर। अब यहाँ पर एक आने वाले समय पर रोज़गार की जो कमी होगी, रोज़गार जो खत्म हो रहा है,
है। आपने जैसे भाई साहब ने बताया कि आपने डीएड करवाया, आपने बीएड करवाया, सीटेट करवाया, ये बच्चे कहाँ जाएंगे? क्योंकि युक्तिकरण के नाम पे आने वाले समय पे लगभग प्रदेश में 40,000 शिक्षक जो होंगे वो अतिशेष हो जाएंगे। तो जो हमारे आने वाली पीढ़ी नौकरी की आस लगाए बैठी है उनकी नौकरी तो समाप्त हो जाएगी। पिछले समय में हमने सुना बार बार AEHE पढ़ते आए कि 33,000 पद शिक्षकों की भर्ती होने वाली हैं, तो ये 33,000 जो बेरोजगार हैं वे शिक्षक कहाँ जाएंगे? दूसरी चीज़ आपको आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि जो 4,000 स्कूलें बंद हो रही हैं, इन स्कूलों में यदि हम मानवीय दृष्टिकोण से यदि देखें, पंचायत दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो वहाँ रसोईया और स्वीपर भी कार्य कर रहे थे, उनका भी तो आखिर रोज़गार कहीं ना कहीं छीन रहा है, वे क्या करेंगे? तो इन सब पहलुओं पे, इन सब बिंदुओं पे सरकार को विचार करना होगा। मैं तो बड़ा आश्चर्य करता हूँ कि सरकार को कौन इस प्रकार की सलाह दे रहा है कि सरकार देश की राज्य आगे बढ़ने की जगह पे यहाँ पे शिक्षकों का या नौकरियों का या रोज़गार का दमन किया जा रहा है। वही बच्चे हमारे प्राथमिक शाला में, माध्यमिक शाला में आ रहे हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, वही शिक्षक आगे, वही बच्चे आगे बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पे तो प्राइवेट स्कूलों से नाम कटवा कटवा के पिछले बार आत्मानंद में लोगों ने अपने बच्चों को भर्ती कराया, गुणवत्ता दिया, मगर सरकार की ये नीति नहीं समझ में आ रही है कि किस प्रकार से यहाँ पे शिक्षकों को कम करते हुए, स्कूल को बंद करते हुए आने वाले समय में रोज़गार को रोका जा रहा है। तो मेरी निवेदन है कि इस जो दोषपूर्ण युक्तिकरण है, इस युक्तिकरण को तत्काल हटाया जाए और पुराना जो 2008 का सेटअप जारी था उस 2008 के सेटअप को जारी किया जाए और इसके साथ साथ नई भर्तियां करके प्रत्येक शालाओं में एक और दो शिक्षकों की और ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती की जाए कि प्रत्येक कक्षा में एक शिक्षक मिल सके और वह कार्य पूरा काम कर सके। और ज्ञापन दिया आप लोगों ने पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ, आगे सुनवाई नहीं हुई तो फिर किस तरह की रूपरेखा तय करेंगे? देखिए, ज्ञापन हमने अपने स्तर से दिया हुआ है और यदि आगे हमारी बात की सुनवाई नहीं होती है तो उच्च ऊपर बैठे संगठन का जो भी निर्णय होगा हम संगठन के साथ जाएंगे और जिस तरह से हम अपनी ये, इसको हम मांग नहीं कह सकते, हम सिर्फ निवेदन कर रहे हैं सरकार से। यह निवेदन सिर्फ हमारे लिए नहीं है, सरकार को इस बात को समझना होगा बड़ी गहराई से कि शिक्षक आज सड़कों पर उतर आया है युक्तिकरण के लिए, तो ये मांग सिर्फ शिक्षक अपने लिए मांग नहीं कर रहा है, शिक्षक आने वाले बेरोजगारों के लिए मांग कर रहा है और उससे आगे शिक्षक प्रत्येक गाँव में पढ़ने वाले प्रत्येक बच्चे की गुणवत्ता के लिए मांग कर रहा है और यही बच्चे देश और राज्य का भविष्य है जो इसका नाम रोशन करेंगे। आप क्या मानते हैं किस तरह से किया गया सरकार के द्वारा जो निर्णय लिया गया है, देखिए गलत है, क्या लगता है? नहीं देखिए, जो 2 अगस्त को विसंगतिपूर्ण शासन ने आदेश जारी किया युक्तिकरण के नाम पे, वो निश्चित ही हमारे राज्य के जो नौनिहाल बच्चे हैं उनको जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त होनी थी उसके विरोध में है। साथ ही शिक्षकों के युक्तिकरण के साथ स्कूलों का भी युक्तिकरण सरकार ने लाया है, तो बहुत सारे ऐसे स्कूल शासकीय जो एक ही कैंपस में हैं उनको भी मर्ज किया जाएगा, जिससे वहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों के साथ साथ, क्योंकि दूर दराज के ही बच्चे रहते हैं, हर एक किलोमीटर में प्राइमरी स्कूल है और वहाँ पर रसोईया पदस्थ है, वहाँ पर स्वीपर पदस्थ है, ये सब भी प्रभावित होंगे। साथ ही साथ एक ऐसी युक्ति लाई गई है जिससे हमारे शिक्षा की गुणवत्ता पर जो गांव के बच्चे हैं वहां पर प्रभाव होगा। अभी जो 2008 का जो शटअप था जिसमें एक प्राथमिक शाला में न्यूनतम दर संख्या पे एक प्रधान पाठक और 2 शिक्षक रहते थे, मिडिल स्कूल में एक प्रधान पाठक और 4 शिक्षक थे, आज उस 2 अगस्त के आदेश से ये प्रभावित होंगे और वहाँ पर शिक्षकों की संख्या कम होगी। अब जब शिक्षकों की संख्या कम हो जाएगी तो पढ़ाई की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ना निश्चित स्वाभाविक है। इस युक्तिकरण के विरोध में प्रदेश के सभी ज़िलों में हमारे शिक्षक संघर्ष मोर्चा के माध्यम से कलेक्टर और माननीय जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है कि सरकार इस दोषपूर्ण युक्तिकरण को जो है वापस ले और 2008 के सेटअप के अनुरूप
यहाँ पर शिक्षकों की व्यवस्था हो ताकि एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हमारे शासकीय स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को प्राप्त हो सके। और शिक्षक उनसे बात करते हैं, उनको क्या लगता है किस तरह की मांग है और किस तरह की सरकार से बात करेंगे, क्या करेंगे? ये जो है छत्तीसगढ़ राज्य में युक्तियुक्तकरण वाला जो है ये बहुत ज़ोरों से पकड़ा हुआ है। आखिर स्कूल को मर्ज क्यों किया जा रहा है, युक्तियुक्तकरण क्यों किया जा रहा है, कर्मचारियों को युक्तियुक्तकरण क्यों किया जा रहा है, ये सबसे बड़े अभी फिलहाल में विडम्बना है। माननीय विष्णुदेव साय जी की जो सुशासन है, इससे निवेदन है कि वह जो है पूर्व की जो सेटअप है, यदि छत्तीसगढ़ राज्य में पढ़ाई स्तर को यदि बेहतर करना है तो छत्तीसगढ़ राज्य में जो पूर्व में जो सेटअप था उस सेटअप को यथावत रखे ताकि छत्तीसगढ़ राज्य के हर कोने कोने में शिक्षा स्तर जो बेहतर से बेहतर हो। यदि कर्मचारी कम हैं तो ऐसा भी किया जा सकता है कि जो एजुकेशन में इतने सारे कर्मचारी हैं और ट्राइबल में कम हैं तो ज़्यादा होता है, तो टी और ई संवर्ग को मर्ज करते हुए जो कर्मचारी जिस स्कूल में सबसे ज़्यादा हैं, जहाँ 5 की स्टाफ है वहाँ 7, 8, 9 लोग भरे पड़े हैं, तो उसको अन्य स्कूल में मर्ज किया जाए, अन्य स्कूल में भेजा जाए, ट्रांसफ़र किया जाए। और अभी वर्तमान स्थिति में ऐसा है कि जहाँ पास 3 लोग हैं वहाँ पास 2 लोग किया जा रहा है। इस प्रकार से यदि राज्य में किया जाता है वर्तमान स्थिति में तो छत्तीसगढ़ राज्य में शिक्षा गुणवत्ता नहीं आने वाली है। तो माननीय साय जी से अनुरोध है कि ये जो सेटअप वर्तमान में लागू किया गया है इसको पूर्व की तरह यथावत रखें, अन्यथा ये जो है विरोध तो जाहिर हो ही रहा है और इससे शिक्षा स्तर जो है और गिरेगा। यदि राज्य में बेहतर से बेहतर करना है शिक्षा स्तर को तो हर स्कूल में जहां 2 शिक्षकों की भर्ती करना है यह है वहां 3 करें, जहां 5 है वहां 6 करें। नहीं किए तो और नहीं करेंगे तो आगामी आने वाले समय में जो जितने भी छत्तीसगढ़ राज्य में जो संगठन है शिक्षा विभाग के खास करके वो फिर अपना हड़ताल की ओर चले जाएंगे। तो माननीय साय जी से यही अनुरोध है कि टी ई को मर्ज करते हुए जहां कर्मचारी अधिक हैं उसको चाहे ट्राइबल में करें या फिर एजुकेशन में करें, तो यहाँ कर्मचारियों की कमी नहीं होगी। और प्लस जिस स्कूल में कर्मचारी कम हैं उनके लिए भर्ती किया जाए ताकि शिक्षा स्तर बेहतर से बेहतर हो। हमारा मेन उद्देश्य है छत्तीसगढ़ राज्य में कि शिक्षा स्तर को बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास है और जो जितने भी संगठन हैं सबका यही प्रयास है कि शिक्षा स्तर जो है बेहतर से बेहतर हो, हर स्थिति में डाउन नहीं होना चाहिए। आप क्या मांगते हैं? जी, सबसे पहले तो जो 2 अगस्त 2024 को जो युक्तिकरण का आदेश जारी किया गया था उस आदेश को मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि उसको मूलतः वापस करें, क्योंकि इस सेटअप में ही गलत है। जैसे पहले 2008 की सेटअप के आधार पर ही सारी शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी, पदोन्नतियां भी हुई थी, इसके बाद अब उसमें कटौती करेंगे तो निश्चित ही गुणवत्ता में प्रभावित होगी और इससे शिक्षा का स्तर, गुणवत्ता स्तर घटेगा और कम होगा। दूसरी बात, इससे कई प्रकार के विसंगतियां पैदा होगा, जैसे विषय विशेषज्ञ के रूप में उसमें अंग्रेजी को पहला फिर गणित को, तो ऐसे अगर मान लो सेटअप बनाया जाएगा तो उन बाकी शिक्षकों को कहाँ के बाकी सरों ने जो बताया पूर्व में मेरे, उसके हिसाब से वास्तव में 30,000 से 40,000 शिक्षक अतिशेष हो जाएंगे, उनको जमाने में ही लग जाएगा इनको टाइम, इसलिए इनको तत्काल बंद करना चाहिए, यही मैं अनुरोध करूँगा। इससे और क्या है ना कि जो रसोइया हैं, स्वीपर हैं, इन लोग को और बेरोजगार लोगों का भी बहुत दमन हो रहा है, नई नियुक्तियां बंद हो जाएगी इससे बहुत ज़्यादा। आप क्या मांगते हैं? देखिए, ये युक्तिकरण का जो अभी शासन ने आदेश जारी किया है ये पूरी तरह से विसंगतिपूर्ण है। पूर्व में जो सेटअप था उसको समाप्त करने की एक तरह से साजिश कहा जाए सरकार की है और इससे हम सभी शिक्षक तो बाधित हो ही रहे हैं, सभी के प्रभाव पड़ रहा है। आगामी कोई भी शिक्षक प्रमोशन नहीं पा पाएगा इसके युक्तियुक्तिकरण के तहत। तो हमारा तो यही संगठन की तरफ से भी और सारे शिक्षकों की तरफ से भी यही अनुरोध है शिक्षा सचिव महोदय से, मुख्यमंत्री महोदय से, कि इस युक्तियुक्तिकरण के विसंगतिपूर्ण को तत्काल समाप्त करते हुए पूर्व का सेटअप लागू करें, यही निवेदन है। तो आपने सुना कि शिक्षक हैं जो कह रहे हैं कि पूर्व के सड़क पर लागू किया जाए, हम क्या बोल रहे थे? देखिए, एक बात और मैं बोलना चाहूँगा, माननीय विष्णुदेव साय जी हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और
मेरा उनसे निवेदन है और साथ ही माननीय शिक्षा सचिव जी से, माननीय DPI महोदया से ही मेरा निवेदन है कि जिसने भी ये सेटअप प्रस्तुत किया था, बनाया है, मैं कहता हूँ उसके खिलाफ़ कार्रवाई की जानी चाहिए। बहुत गलत सेटअप में इन लोगों से दस्तखत कराया गया, इनकी सहमति ली गई। माननीय विष्णुदेव साय जी अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री के साथ साथ माननीय शिक्षा विभाग के भार साधक मंत्री भी हैं। ये सेटअप जो है ये छात्र विरोधी है, ये शिक्षक विरोधी है, ये शिक्षा विरोधी है, ये समाज विरोधी है। इसमें कहीं किसी का भला नहीं है, सिर्फ नुकसान है, ये इसमें सिर्फ नुकसान है। इसलिए और इसमें और विसंगति बता रहा हूँ आपको मैं, जो सेटअप जिसने ही बनाया होगा, उसने सेटअप में लिखा है कि जैसे हायर सेकेंडरी स्कूल वगैरह हो गए, हाई स्कूल वगैरह हो गए, वहाँ जो अतिथि शिक्षक है वो अतिशेष नहीं होगा, रेगुलर अतिशेष होगा। अरे तो दादा वहाँ अतिथि शिक्षक लाया कौन, कौन लाया वहाँ, भर्ती कौन किया? अभी जो 2-3 साल पहले नई भर्तियाँ हुई हैं जिनका परीक्षा अवधि है, वो अतिशेष नहीं होंगे, जो पहले से है वो अतिशेष होगा। ये कौन सा नियम है भाई, कौन बनाया ऐसा सेटअप, कौन आप लोगों से ऐसे सेटअप में दस्तखत कराता है, कौन ऐसा सेटअप आप लोगों के पास नोट शीट पुटअप करता है? पहले तो उसके ऊपर तत्काल कार्रवाई करिए कि जिस व्यक्ति ने, जिस अधिकारी ने भी ऐसा सेटअप, ऐसा नोट शीट बनाया होगा, उसके कारण आपका समाज में विरोध हो रहा है, शिक्षकों में विरोध हो रहा है, छात्रों में विरोध हो रहा है, सरकार की छवि धूमिल हो रही है इससे। ये अभी समाज के लोग अच्छे से जाने नहीं हैं कि ये सेटअप क्या चल रहा है। अभी जब समाज के लोग जान जाएंगे कि भाई ये तो ये सेटअप लाए हैं कि प्राइमरी स्कूल में सिर्फ 2 टीचर रहा करेंगे, तब समाज के ऊपर क्या प्रभाव बन जाएंगे कि भाई ये तो ये सेटअप लाए हैं कि प्राइमरी स्कूल में सिर्फ 2 टीचर रहा करेंगे, तब समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? अभी तो समाज पूरा इस बात को समझा नहीं है। बेरोजगारों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा कि 30-40 हज़ार शिक्षक अभी अतिशेष हो जाएंगे, तो आगे उनके लिए कितने साल के लिए आप रास्ता बंद कर रहे हो नौकरी का? तो इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं करबद्ध निवेदन करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, आप स्वयं संज्ञान लेकर इसको जो है सेटअप को आप रद्द करने कृपा कीजिए, और जिसने भी सेटअप बनाया है उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ शिक्षक संघ के शिक्षक थे जो मुख्यमंत्री से निवेदन कर रहे हैं कि पुराने सेटअप को लागू किया जाए, जो नया सेटअप बनाया गया है उसे तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए, और साथ ही शिक्षकों ने कहा है कि अगर उनके मांगे जल्द से जल्द पूरी नहीं हुई तो आंदोलन भी किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ तक के लिए राकेश।